हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमने बच्चों क्या है कि हमने पूरा टोटल यूटिलिटी कर लिया है, हमने ये समझ लिया है कि वो मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे फ़र्क होता है, और अब हमने ये भी देख लिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ सवाल ये उठता है कि आखिर हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनका आखिर मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के दम पर ही हम इंसान हम लोग जो है वो अपनी डिमांड डिटरमिन करते हैं कि हमारे को आखिर कितना कंज्यूम करना है, कि अगर हमारे को जूस पीना है तो हमारे को कितने ग्लासेस ऑफ जूस पीना है। ठीक है, वो एक्चुअली में जो हम लोग डिसीजन लेते हैं वो टोटल यूटिलिटी नहीं, वो मार्जिनल यूटिलिटी के दम पर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं पर हमारे को एहसास नहीं होता। तो आपको अब इसके ज़रिए अब समझ में आएगा कि आखिर कोई भी इंसान या कोई भी कंज्यूमर डिसीजन लेता कैसे, कि उसके लिए टोटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एडिशनल, कि एडिशनल चीज़ में या एडिशनल क्वांटिटी में उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो या किसी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो ठीक है, आप चढ़ गए वो तो बात सही है, पर और आगे कितना जाना है, ये जाना है या नहीं जाना, ये वहीं से वापस होना है, वो आपका जो है वो दिस इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, कि हर वक्त जो आप डिसीजन लेते हो वो एडिशनल के दम पे लेते हो कि और आगे कितना जाना है। इतना तो हम आ गए, फाइन, वी आर सैटिस्फाइड, वी आर हैप्पी, हमने ये सारा कर लिया, या इतना कंजम्पशन कर ली, या इतना हम लोग घूम लिए, इतने दिन हम लोग घूम लिए, और आगे एक दिन और हमने घूमना है या नहीं घूमना है, वो हमारा सारा मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इनफैक्ट ये सारे के सारे जितने भी कंपनीज होते हैं ये इसी चीज़ को प्ले करते हैं, वो आपको हमेशा ऐसी स्कीम्स देंगे कि आपके अंदर एक इंसेंटिव बना रहे कि आप और ज़्यादा जो है ना खेलते रहो। जैसे कि अगर आप गेमिंग जोन में भी जाओ तो कहेंगे कि आप इतने पॉइंट्स आपने जीत लिए, ठीक है, पर अगर सपोज करो आपने इतना और जीता तो आपको जो है ये बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर पे भी अगर आप शॉपिंग करते हो तो वो हमेशा आपको एक इंसेंटिव देते रहेंगे, ठीक है, आपने अगर 2000 का खरीद लिया तो अगर आप इसमें से 500 रुपये को और खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, इतने और खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उनको भी पता है इस बात का, जितनी भी कंपनीज होती हैं इसी साइकोलॉजी के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिटर्मिन करती है, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि कंज्यूमर जो डिसीजन लेते हैं कि कितना डिमांड करना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे एडिशनल में उनको कंज्यूमर्स को कितना बेनिफिट होएगा, और वो वही चीज़ जो है देने की कोशिश करते हैं, एक इंसेंटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आप और खरीदो ज़बरदस्ती और खरीदो, चाहे आपके पास ऑलरेडी 6 T-shirts हैं फिर भी वो कहेंगे कि अच्छा एक और ले लो जिससे कि आपको जो है इतना बेनिफिट मिल जाएगा, अगर 6 खरीदोगे तो ठीक है, अगर आप इसके बाद एक और लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है अब हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब जो है ये हमारा जो है ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी शेड्यूल है। तो ये हमारा ओरिजिनल जो है टोटल यूटिलिटी शेड्यूल तो हमारा था ही, मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल इज़ नथिंग बट अ टेबल, इट इज़ जस्ट अ टेबल जहाँ पे कि आपकी जो है सारी की सारी जो है वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। ठीक है, कि अगर जीरो क्वांटिटी है तो कितनी आपको टोटल यूटिलिटी मिल रही है, उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो ये जो है आपका टोटल यूटिलिटी शेड्यूल भी है और ये जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल भी है, क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी की भी वैल्यूज़ आ रही हैं कि अगर जीरो क्वांटिटी है तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, 1 quantity है तो 12 मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये हम ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर चुके हैं, ये अगर आप मेरी पिछली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो है आपने ऑलरेडी ये सारा कुछ देखा होगा। ना सवाल ये उठता है कि अब हम इन जो वैल्यूज़ हैं इनको जो है कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे जो है इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलो नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, एक एक को ना हम लोग इंडिविजुअली लेते रहेंगे। पहली बात तो आप जो है सबसे पहला वाला देखो, पहला वाला रो देखो, इसमें है जीरो क्वांटिटी। जब आप कोई चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली जीरो क्वांटिटी का मतलब है कि आप वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, आप बाय ही नहीं कर रहे हो। तो जब कर ही नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें से सेटिस्फैक्शन तो आपको क्या मिलनी है। तो इसीलिए जीरो क्वांटिटी की वजह से आपकी जो है
टोटल यूटिलिटी भी जीरो है एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी भी जो उससे मिल रही है वो जीरो है. सो इट इज नो कंजम्पशन एंड हेंस नो यूटिलिटी. एक रुक मैं ना एक पेन का कलर चेंज कर लूँ, ये दिख नहीं रहा है इसके ऊपर. ठीक है, उसके बाद जो कंज्यूमर है वो एक क्वांटिटी जो है कंज्यूम करता है. से गर्मी में आए हो, एक ग्लास जो है आपने जूस पी लिया, ठीक है, तो उससे इमीडिएटली आपको सैटिस्फैक्शन मिली. एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन सैटिस्फैक्शन क्या है, ऑब्वियसली पहले जीरो से एक पे आए और जैसे ही टोटल यूटिलिटी जीरो से ट्वेल्व पे आए तो चेंज इन यूटिलिटी क्या है, वो भी बारह ही है. ठीक है, तो एकदम आप देखते हो कि टोटल यूटिलिटी भी हमारी एकदम बड़ी जीरो से, ठीक है, एकदम देर इज सडन इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी. और साइमल्टेनियसली हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी जो है वो इंक्रीज हुई. ठीक है, सो देर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो. ठीक है, उसके बाद अभी भी आप प्यासे हो, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करा, एक जूस का ग्लास और ले लिया. ठीक है, अब जो है आपकी टोटल जो सैटिस्फैक्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी तसल्ली होती जा रही है, बिकॉज आपकी जो है गर्मी जो है कम हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी थोड़ी सी और बढ़ी. ठीक है, बट अगर आप एक चीज़ देखोगे कि पहले ग्लास में आपकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि एकदम प्यासे थे, प्यासे होने की वजह से जो है ना एकदम आपको लगा कि एकदम रिलीफ मिला, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिली. अब जब दूसरा ग्लास पिया, सैटिस्फैक्शन वहां पे भी मिली, बट इस बार जो है आपकी जो बढ़ोतरी हुई वो एकदम 12 यूटिलिटी की नहीं हुई बल्कि सिर्फ 6 यूटिलिटी की हुई. तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 6 यूटिलिटी हुई. ठीक है, कि कितना आपका एडिशन हुआ टोटल यूटिलिटी का जब आपने जो है क्वांटिटी को एक बढ़ाया, एक और बढ़ाया, तो जैसे ही क्वांटिटी चेंज हुई आपकी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, तो ऑन एक यूनिट के ऊपर, एक क्वांटिटी के ऊपर आपकी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, उसके बाद आपने एक ग्लास और पी लिया, ठीक है, फिर आपकी यूटिलिटी थोड़ी सी और बढ़ी. ठीक है, बट इस बार अब आपको और कम एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन मिलेगी आप, क्योंकि आपकी प्यास जो है बुझती जा रही है. ठीक है, आपको ठीक ठीक लग रहा है अब. ठीक है, अब ज़बरदस्ती आपको था कि अब आगे जो है हमने कहीं जाना है, पता नहीं वहाँ पे पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और पी लेते हैं, पहले ही पेट में रिजर्व करके रखते हैं. जैसे कि एक ऊँट होता है, कैमल होता है, पहले ही जो है अपने जो है नेक पे जो है बहुत सारा पानी रिजर्व करके रखता है, खाना रिजर्व करके रखता है कि पता नहीं भाई आगे मिलेगा नहीं मिलेगा. ठीक है, तो उस तरह से आपने पी लिया, बट सिंस आपको प्यास तो थी नहीं पर आप पी रहे हो, तो उससे एक एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन जो आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है. ठीक है, तो इसमें अब जो एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन, अब ये तीसरे से चौथे ग्लास पे जो एडिशनल सैटिस्फैक्शन हुई, 22 से 24 पे जो गए, तो एडिशनल सैटिस्फैक्शन आपकी सिर्फ 2. ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि हमारी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशन टू सैटिस्फैक्शन है, वो अब डिक्रीज हो रहा है. पहले एकदम बढ़ा था क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिली थी, उसके बाद एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन जो भी हमारे को मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन. ठीक है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन जो भी हमारे को मिल रही है, वो मिल तो रही है, इट इज़ पॉजिटिव, हमारे को मिल रही है. पॉजिटिव का मतलब है कि मिल रही है, अभी भी मिल रहा है, बट हर बार पिछली बार से कम एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद आप एक ग्लास और पी लेते हो, अब आप देखते हो कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, आपका सैटिस्फैक्शन लेवल, टोटल जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो वही है जो कि पिछला वाला था. ठीक है, इसका मतलब एडिशन टू सैटिस्फैक्शन या एडिशन टू यूटिलिटी क्या है, वो जीरो है. इस बार आपको एक और ग्लास पी के कुछ भी चेंज फील नहीं हुआ, कुछ भी जो है ना बेटर फील नहीं हुआ, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हो चुके हो. ठीक है, तो आपने पी जरूर लिया पर आपको जो है ना ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही है. ठीक है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल सैटिस्फैक्शन जो है या एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन जो है वो है ज़ीरो. ठीक है, ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जहाँ पे कि आपका जो है जो सैटिस्फैक्शन लेवल है, टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पे पहुँच गया है, दैट इज़ योर
सेटिएशन लेवल, अगर आपको याद हो तो जब हमने जो है टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करा था, क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड टोटल यूटिलिटी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो हमने कैसे कर्व ड्रॉ करा था, हमने क्या बोला था, ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है, रीचेस अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो अब आप यहाँ पे पहुँच गए हो कि आपका जो यूटिलिटी लेवल है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो बस अब पीक पे आ चुका है, अब इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल आपका नहीं आ सकता। और ये कितने ग्लासेस पे आया, ये 5 ग्लासेस पे आया। जब आपने 5 ग्लास पानी के पी लिए तब आपका जो है ना पीक पे आ गया सेटिस्फैक्शन लेवल, दैट इज़ योर सेटिएशन लेवल, कि बस पूरा हो चुका, भर चुका, बस इससे ज़्यादा अब और जो है आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इस लेवल पे आके अब आप देखते हो कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी आप पीक पे हो, आपको और कुछ अगर आप मिलेगा तो अब आपको और उससे जो है बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको और सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाली। आपने जितना खाना था, जितना लेना था, जितना इस्तेमाल करना था, अब आप कर चुके हो, और अगर आपको दे भी दिया जाएगा तो आपको कोई उससे जो है इम्प्रूवमेंट एंड सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो ये आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। ठीक है, नाउ सपोज करो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, नॉर्मली तो हम इसके बाद और नहीं खाएंगे पिएंगे, बट सपोज करो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मजबूर कर दिया जाता है कि आप और खाओ। ठीक है ना, सपोज करो कि मारपीट के या कुछ भी, जैसे कि यू नो कोई भी पनिशमेंट ही देने की, नहीं तू खा बैठ के। ठीक है, अब वो पनिशमेंट दे रहे हैं तो अब जबरदस्ती एक और उसको खिलाते हो, एक और कंजम्पशन कराते हैं, तो अब सिंस वो ऑलरेडी फुल हो चुका है, उसके बाद अब उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इम्प्रूव करने की बजाय उल्टा अब उसको जो है ना उल्टी जैसा फील होना शुरू हो जाएगा, या उपकाय आनी शुरू हो जाएगी, या फिर अगर कोई चीज़ ऐसे टी शर्ट्स हैं तो अब आपको एक टी शर्ट और दिला दी, आपके पास पहले ही भरा पड़ा है वार्डरोब, एक और ज़बरदस्ती दिला दी, तो अब आपको कोई खुशी नहीं हो रही है उसको लेकर, अब आपको बल्कि बर्डन लग रहा है कि यार इसको मैं कहाँ रखूँ संभाल के। ठीक है ना, तो वो सिचुएशन है, तो अब जो वो बर्डन वाली जो फीलिंग है, तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो पॉजिटिव नहीं, उल्टा नेगेटिव आ गया है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ गया है यूटिलिटी जो है वो, आपकी एडिशनल जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि अब आपको जो यूटिलिटी है वो उल्टा फॉल करने शुरू हो गई, मतलब कि अब आप इस रेंज में चल पड़े हो जहाँ पे कि यूटिलिटी कर्व जो है, टोटल यूटिलिटी कर्व जो है डिक्लाइनिंग स्टेज पे आता है। अब आप जो है इस स्टेज में आगे बढ़ चुके हो, आपने 5 से भी ज़्यादा जो है कुछ खा लिया या ज़्यादा लिया है, तो अब आप जो है ना आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो उल्टा नेगेटिव आने लग गई है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है अभी भी पॉजिटिव है, बट अब जो है वो डिक्लाइन करनी शुरू कर दी, अब आपको सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही। ठीक है, ले रहे हो, ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, आ गया हमारे पास एक टीचर, पर उससे जो है ना अब आपको कोई खास कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा, उल्टा बल हो रहा है कि यार ये क्यों आ गया, मतलब इससे अच्छा ना ही आता। ठीक है, तो अब टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव ज़रूर है, बट अब इसने जो है डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है, एंड योर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि क्या आप खुद अपनी मर्जी से इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करोगे। अगर ज़बरदस्ती मजबूरी में करा जाए तो बात अलग है कि किसी ने फोर्स करके आपको दिलाई दिया या दे ही दिया, एक अलग चीज़ है, पर क्या आप ज़बरदस्ती अपने आप अपनी मर्जी से इस तरह की क्वांटिटी कंज्यूम करोगे जहाँ पे कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल उल्टा कम होने लग गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकर या अच्छा नहीं लग रहा कंज्यूम करके, पहले आप बेटर फील कर रहे थे कम क्वांटिटी पे, तो क्या आप इस लेवल पे इस कट मतलब इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहोगे? ठीक है ना, ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। तो ये एक कट ऑफ पॉइंट आना शुरू हो जाता है कि इसका मतलब इसके बाद जो है हमारी क्वांटिटी की जो जो डिमांड है ऑब्वियसली वो नहीं जाएगी। और ये हर कंपनी जो है कंज्यूमर सर्वेज जो है वो करती रहती है, वो ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर कितनी क्वांटिटी के बाद कंज्यूमर्स की जो यूटिलिटी है वो जो है फॉल करनी शुरू कर दी है। तो वो कोशिश हमेशा करेंगे कि जितना भी प्रोडक्ट बेचें वो इसके बाद ना बेचें, वो इस रेंज में ना बेचें,
क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बाद जब कंज्यूमर्स की यूटिलिटी फॉल ही कर रही है तो वो खरीदेंगे ही नहीं. तो देयर इज नो पॉइंट कि आप ज़बरदस्ती उनको बेचने की कोशिश करो. आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर भी लगेगा, आपके सेल्समैन के खर्चे भी लगेंगे, पर आप ज़बरदस्ती जो है उनको करवा नहीं पाओगे. उनके अंदर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, वो चाहते ही नहीं है. ठीक है ना, आप फोर्स करते रहोगे उनको, एडवर्टाइज करते रहोगे, यू नो सेल्समैन के घर भेजते रहोगे, बोलते रहोगे, पर वो नहीं चाहते हैं तो वो नहीं पैसा खर्च करेंगे उसके ऊपर. तो देयर इज नो पॉइंट. ठीक है, तो ये हर कंपनी जो है इस तरह की कंज्यूमर सर्विस करती रहती है कि वो एक जानना चाहती है कि मैक्सिमम कट ऑफ क्या है. ठीक है, किसके बाद जो है कंज्यूमर जो है क्वांटिटी को कंज्यूम नहीं करेंगे. ठीक है, सिमिलरली अब आपने कोशिश करके फोर्स करके उनको एक और दिला दिया, अब यूटिलिटी और कम हो गई. तो पहले आप यहाँ पे थे, 6 यूनिट पे कम हो गई, अब आपने ज़बरदस्ती उनको एक और दिला दिया और कम हो गई, फिर करते करते जो है आपने एक और दिला दिया, तो अब जो है यूटिलिटी उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई. अब तो बिल्कुल उल्टी आने की स्टेज पे हो गई. अब वो खुद ही मना करने लगे कि भाई मेरे को मत देना, हो गया मेरा. ठीक है, तो विच मीन्स कि आपकी जो है एडिशनल यूटिलिटी जो है वो अब नेगेटिव होती जा रही है. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव चल रही है, फाइनली टोटल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो हो गई है. और ये जो है ये एक सैचुरेशन लेवल है. देखो ये है सेटिएशन लेवल, जहां पे कि आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और ये है सैचुरेशन लेवल कि आप पूरी तरह भर चुके हो, यू नो बस ऐसा हो गया कि बिल्कुल छोड़ दो. ठीक है, दिस इज योर सैचुरेशन लेवल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन लेवल एंड द सेटिएशन लेवल. सेटिएशन इज कि आप बस आप फुली सैटिस्फाइड हो, सैचुरेशन इज कि आप भर चुके हो कि बस हो गया मेरा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो. ठीक है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली इस रेंज में कंजम्पशन जो है सैटिस्फाइड जस्टिफाइड ही नहीं है. तो अगर आप देखो तो जो है, अगर आप सारा देखो तो आप समझने की कोशिश करो, तो ये जो पूरी रेंज है, ये जो पूरी रेंज है, इसके नीचे जो है कंजम्पशन जो है जस्टिफाइड ही नहीं है. आप इतनी क्वांटिटी जो है कभी भी कंज्यूम नहीं करोगे. ठीक है, और ये ऑब्वियसली जो है डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डायमंड्स है, तो डायमंड्स क्योंकि हमारा मन हमेशा ही तरसता रहेगा, हम और लेना चाहेंगे और लेना चाहेंगे, तो उस केस में हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना बहुत बाद में जाके फॉल करनी शुरू करे, टोटल यूटिलिटी बहुत बाद में जाके फॉल करनी शुरू करे. ठीक है ना, तो और हो सकता है ना भी फॉल करे. ठीक है ना, हमारे को इच्छा होगी और ले लें और ले लें, जैसे पैसा ग्रीड जो होता है ना, हवश, उसमें तो होता है कि बस ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मैं भी मिल जाए. पर अगर हम लोग ग्रीड को छोड़ दें, हवश को छोड़ दें, ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यूजुअली हर कमोडिटी के साथ ऐसा ही होता है कि एक लेवल के बाद जो है ना इंसान फुली सेटिस्फाइड हो जाता है, और उसके बाद फोर्स करो तो वो बस भर चुका होता है, उसको होता है कि बस अब नहीं. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. ठीक है, तो अगर वही है कि अगर हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है बहुत सिंपल है. अब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन, कि इसी क्वांटिटी को कंज्यूम करना तभी बेनिफिशियल है जब तक उसकी जो है टोटल यूटिलिटी जो है राइज कर रही है या पीक पे पहुंच रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम से कम पॉजिटिव है, ज़ीरो से पॉजिटिव है. कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव का क्या मतलब है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सैटिस्फैक्शन है वो कम से कम थोड़ी सी बढ़ रही है. ठीक है ना, अब पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि आपकी सैटिस्फैक्शन थोड़ी सी बढ़ रही है. ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि आपकी सैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, वो उतने पे ही स्टैग्नेंट है. एंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि सैटिस्फैक्शन लेवल उल्टा कम होने लग गया है. ठीक है, तो ये जो है आपका इंटरप्रिटेशन है कि ये जो है आपका कट ऑफ पॉइंट है, इसके बाद तो मतलब बिल्कुल भी जस्टिफाइड ही नहीं है. तो ये आपका कट ऑफ पॉइंट है, इसके बाद तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है डिमांड कंजर्व करना. तो ये आपका कट ऑफ पॉइंट है. ठीक है, कि मैक्सिमम जो है आप इस कमोडिटी की सिर्फ 5 यूनिट्स कंज्यूम करोगे. ठीक है, चलो. ठीक है, नाउ अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसी टेबल के दम पर एक लॉ हम लोग जो है वो मानते हैं, विच इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से याद करना है, द लॉ ऑफ
आप सोच के देखो, पहली बात तो लॉ है, दूसरा डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ। तो लॉ क्या है? लॉ है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश करती है या कम होती है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 कम हो जाती है, ये आपका लॉ है। तो लॉ अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब वो हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा जो है वो जो प्रिंसिपल है या वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा के लिए वो होल्ड करेगी, वो हमेशा जस्टिफाइड होती है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अब आप जो है इसको बहुत ध्यान से देखो, तो क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी चाहे भले ही शुरुआत में भले ही बढ़ जाए, मतलब एडिशन टू सैटिस्फैक्शन शुरुआत में भले ही एक्स्ट्रा हो, बट धीरे धीरे करके बाद में अगर आप देखो तो वो एडिशन टू सैटिस्फैक्शन जो है वो कम होती जाती है, तो वो पॉजिटिव से वो ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ आउटपुट पे वो इंक्रीज करती है मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज एकदम आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमेशा जो है, सिंस इट्स अ लॉ, लॉ का मतलब है दैट इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल, ये जो है हमेशा जो है एप्लीकेबल होगा, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि कुछ समय के बाद या कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन के बाद एडिशन टू सैटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन टू सैटिस्फैक्शन, जो एडिशन है एडिशन टू यूटिलिटी या फिर सैटिस्फैक्शन, बेसिकली टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये जो है ये एडिशन टू सैटिस्फैक्शन, एडिशन टू यूटिलिटी जो है वो कुछ समय के बाद या कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन के बाद जो है हमेशा फॉल करनी शुरू करेगी, और ये हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ कि मेरे को कुछ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है दैट एज मोर ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम, जैसे जैसे आप किसी क्वांटिटी, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो, धीरे 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 जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो, द एडिशन टू द यूटिलिटी, एडिशन क्या होती है? एडिशन टू यूटिलिटी, जो कि जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एडिशन टू यूटिलिटी, यहाँ तक का जो ये पोर्शन है जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जो एडिशन जो हो रही है यूटिलिटी की, वो डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है। आपको जो हर बार जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कम मिलती है, वो डिक्लाइन कर रही है, मतलब वो कम मिलती है, पहले से भी कम मिल रही है। पर इसमें एक कंडीशन है, वाइल कीपिंग एवरी अदर कमोडिटी कंज्यूम कॉन्स्टेंट, पर आपने ये कंडीशन हमेशा फॉलो करनी है कि पर आपने जो है बाकी चीज़ें जो है अगर आप कॉन्स्टेंट रखोगे तभी है। सपोज़ कि जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि से आपके पास 6 टी शर्ट्स थी, आपको किसी ने 2 और गिफ्ट कर दी, तो आपको हो रहा है कि यार इसको रखूँ कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपकी बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। अगर आपकी अलमारियाँ बड़ी हो जाती हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें डाल दोगे, पर आपकी अगर बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, आपकी अलमारियाँ भी उतनी है, आपका यू नो सब कुछ आपका सेम है, तो उसी हालात में अगर एक और चीज़ आपको दे दी जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो उस कमोडिटी की क्वांटिटी से जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है, एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन जो मिलती है, वो जो है ड्रॉप करने लग जाती है, वो जो है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू मीन बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलो तो ये है, ये सिंपल लॉ है। It stays that marginal utility from consuming each additional unit of commodity declines as its consumption increases while keeping consumption of other commodities constant. ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ाई था, ठीक है। तो अब जो है ये अभी जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही जो है आपका टोटल यूटिलिटी कर्व जो है, बेसिकली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकेंड ये बाद में बताऊंगी मैं आपको, दो मिनट रुक जाओ। हाँ, बेसिकली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही हमारा जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है या डिक्लाइन करना शुरू कर देता है,
अब आप ध्यान से देखो, जिस वक्त आपकी जो है टोटल यूटिलिटी यहाँ पे आके मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट पे आपकी, इसका मतलब मैक्सिमम का क्या मतलब है कि अब वो बढ़नी बंद हो गई है और सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो अगर आप इसी वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप जो है मार्जिनल यूटिलिटी भी लेते हो, ठीक है, ये आपका मार्जिनल टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है ना। हम क्या कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो, हम वर्टिकल एक्सिस पे दो वेरिएबल्स मेजर कर रहे हैं, वन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दो अलग अलग वेरिएबल्स। और ये जो है इकोनॉमिक्स में बहुत कॉमन ट्रेंड है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपेयर करते हैं, कि हमारे को डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजन हम कभी भी किसी चीज़ का तभी ले सकते हैं जब हम उसके बारे में कुछ कंपैरिजन करें। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे को मनाली घूमने जाना है, तो वो हम इजीली कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे को कुछ कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि मनाली जाना बेटर है से जो है कोई और जगह जो है जाना इतना अच्छा इस वक्त नहीं है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं तभी हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आप उनको इकट्ठे एक लेवल पे लाके देखो, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि यहाँ पे इतना खर्चा लग रहा है, यहाँ पे इतने दिन लग रहे हैं, एटसेट्रा। वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि हम वर्टिकल एक्सिस पे दो वेरिएबल्स एट अ टाइम मेजर कर रहे हैं, वन टोटल यूटिलिटी एंड दूसरा जो है मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब आप देखोगे कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, ठीक है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी इस एक्सिस पे होगी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मतलब क्या कि आपकी जो है टोटल यूटिलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो आपकी एडिशन है, एडिशन जो हो रहा है वो उसमें पॉजिटिव अमाउंट का एडिशन हो रहा है, तभी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी फॉल कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गई है। मतलब हर बार जो एडिशन हो रहा है, एडिशन जो हो रहा है हर बार यूटिलिटी का, वो एक नेगेटिव चीज़ का हो रहा है। नेगेटिव की वजह से वो जो है पूरा का पूरा गिरना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई पूरा का पूरा टोटल यूटिलिटी कर्व का जो शेप है वो इसी वजह से है। इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एडिशन टू यूटिलिटी जो है वो जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। सिंस वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तभी आपका टोटल यूटिलिटी कर्व जो है उसी स्पीड से बढ़ता नहीं जाता। आप खुद सोच के देखो कि हर बार आपको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिल रही है। सपोज करो 12 यूनिट्स, पहले ग्लास भी 12 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिली, सेकंड ग्लास भी तो भी 12 यूनिट्स की मिली, या से 24 यूनिट्स की मिली, तो आपकी तो टोटल यूटिलिटी एकदम जूम अप करती जाएगी, जो कि रेयर केसेस में होता है, जैसे कि डायमंड्स वगैरह, गोल्ड वगैरह, वेल्थ वगैरह की जितनी मिल जाती है उतनी ज़्यादा और हवस बढ़ जाती है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो उस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है फेल हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ एक्सेप्शन। तो वो एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर सर्कमस्टांस है जब होता है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ही वो होता है। नॉर्मल सिचुएशन में जो एडिशन टू सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और धीरे धीरे कम होने की वजह से ही ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है ये उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता, इसकी जो राइज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले एकदम स्पीड से बढ़ा, फिर अब आप देखो धीरे धीरे इसका जो स्पीड है, ग्रोथ जो है वो कम हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम होती जा रही है, और फाइनली इसकी ग्रोथ रुकी गई है और फर्दर वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, और बल्कि उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है उसकी ग्रोथ जो है इतनी कम हो गई है, उल्टा उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ा है कि ये टोटल यूटिलिटी जो है फॉल करने लग गया है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये जो लॉ है, यही जिम्मेदार है फॉर इवेंचुअली डिक्लाइनिंग टोटल यूटिलिटी, ये जो नेगेटिव पार्ट है, या फिर फॉर द इन्वर्टेड यू शेप, ये जो उल्टी यू शेप है ऑफ द टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। चलो अब ये जब आपको समझ में आ गया तो अब हम ये बेसिक थोड़ी सी चीज़ कर लेते हैं, ठीक है, वो ये है कि अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करें, जैसे कि हमने टोटल यूटिलिटी कर्व बनाया था, ऐसे ही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या है, वो वर्टिकल एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी,
और हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे चेंज हो रही है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी एडिशन टू सैटिस्फैक्शन बढ़ रही है या घट रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, वही हमेशा कर्व बताता है, कोई भी कर्व यही बताता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे आ रहा है। तो ये हमारा जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी कर्व हमेशा ये बताएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसा असर आ रहा है, ठीक है ना। और वही चीज़ हमारे फंक्शंस बताते हैं कि अगर हम लोग लिखें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम, तो इट्स क्यू एक्स भी लिख सकते हो या एक्स भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है आपने, ठीक है। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो धीरे धीरे जो है इट्स अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, इट इज अ डिक्लाइनिंग कर्व, ठीक है, इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, इट इज अ डिक्लाइनिंग कर्व। क्योंकि इसका क्या मतलब है कि हर बार जब आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो एडिशन टू सैटिस्फैक्शन, पहले एकदम बहुत ज्यादा एडिशन हुई सैटिस्फैक्शन की, ठीक है। अगर सपोज इस कर्व को मैं और पीछे खींच देती हूँ तो फर्स्ट यूनिट पे एकदम बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन बढ़ी मेरी, 12 यूनिट्स बढ़ गई, उसके बाद एक और ली मेरे को, ठीक है, मिली सेटिस्फैक्शन पर उतनी एडिशनल नहीं मिली, उसके बाद कम एडिशनल मिली, उसके बाद मैंने एक और कंज्यूम करा, थर्ड यूनिट कंज्यूम करा, मिली सेटिस्फैक्शन पर पहले से कम मिली, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और यूनिट कंज्यूम करा, तो ये तीन है, ये चौथा यूनिट है, तो मेरे को अगेन जो सेटिस्फैक्शन मिली वो पहले से और कम मिली, मतलब एडिशन जो हुआ तसल्ली का वो पहले से भी कम हुआ, और फाइनली जो भी एक क्वांटिटी है फिफ्थ क्वांटिटी के ऊपर मेरी जो एडिशन टू सेटिस्फैक्शन है वो ज़ीरो ही हो गई, मेरे को अब और सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिल रही है, मेरा अब एक कट ऑफ पॉइंट आ गया, इसके बाद जो है मैं अगर और खाऊंगा तो उल्टा मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी इसका मतलब कम हो रही है, मतलब नेगेटिव आ गई है कि उल्टा पहले की सेटिस्फैक्शन से भी कटौती हो रही है, उसमें से भी कम आ गई है, तो अब ये जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये कर्व चढ़ पड़ा है, ठीक है। अब आप खुद देख रहे हो कि ये बिलो द एक्सिस आ गया है, बिलो द एक्सिस आपको पता है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में आ गया है, तो ये जो है आपका बिलो द एक्सिस आ गया, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है, या इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में जितने भी मार्जिनल कर्व्स होते हैं वो वन ऑफ द वेरी फ्यू कर्व्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं। नॉर्मली जो है इकोनॉमिक्स के जितने वेरिएबल्स हैं या कर्व्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहते हैं, या वो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, जीरो से पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव को जो है पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ें पॉसिबल नहीं, सपोज -50 रुपीज़ का अमाउंट, तो अगर सपोज हम कह रहे हैं कि प्याज जो है -50 रुपये में बिक रहा है, तो वॉट इज दैट मीन, इसका मतलब है कि हम उल्टा यू नो पैसे ले भी रहे हैं और प्याज भी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस प्राइस का कोई मतलब नहीं होता, सिमिलरली माइनस क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में अधिकतर वेरिएबल्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं और इसीलिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, बट बहुत कम वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव हो सकते हैं और इसीलिए जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट या कोई भी नेगेटिव क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सर्कमस्टांस है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वेरिएबल है, तो बहुत कम वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है और जो कि सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व उनमें से एक ऐसा कर्व है जो कि नेगेटिव क्वाड्रेंट या मतलब सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, बेसिकली इसमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसमें जो है ये जाता है क्योंकि इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है।
तो अब जब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अगर हम आप थोड़ा सा अगर मैथ्स करना चाहें, जिन बच्चों ने मैथ्स थोड़ा सा ले रखा है, और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स लेना, पर्टिकुलरली कैलकुलस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या है. स्लोप मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है ढलान. तो किस साइड की ढलान है, ये नेगेटिव ढलान है, इसकी उल्टी डायरेक्शन की ढलान है. मतलब कि जैसे जैसे नेगेटिव ढलान का क्या मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो जो है वो कम हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में. तो जब भी आपके दो वेरिएबल्स उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो उनके बीच में जब भी आप कर्व बनाओगे वो नेगेटिव डायरेक्शन का कर्व होगा. पर अगर दो वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो और या फिर एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो उनका जो कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व होता है. ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेल्टा एम यू बाई डेल्टा एक्स इज लेस देन ज़ीरो. कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी बढ़ती जाती है, आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है वो घटता जाता है. ठीक है, इसको डी एम यू भी से भी लिख सकते हैं. एक सेकंड रुक जाओ, मैं पेन का कलर डिफरेंट कर लूँ. सो दिस इज डी एम यू बाय डी एक्स. मतलब बिकॉज आपको आपने जो है ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि जब डेल्टा इतना छोटा कर दो, जो चेंज है वो इतना छोटा कर दो कि बिल्कुल ज़ीरो के पास आ जाए, सो लिमिटिंग डेल्टा टेंडिंग टू ज़ीरो, सो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल करती जाती है. ये बेसिकली ये डी टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए. ये सेकंड डेरिवेटिव जो है टोटल यूटिलिटी का नेगेटिव है. तो अगर आपने कैलकुलस करा हुआ है तो ये आप थोड़ा सा समझ जाओगे, नहीं तो कोई अगर नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. ठीक है, चलो. ठीक है, तो अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग निकाल रहे हैं कि कंजम्पशन तभी तक करनी चाहिए, या कोई भी कंज्यूमर है वो सिर्फ तभी तक कंजम्पशन करता है जब तक उससे जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है उससे, मतलब जब भी क्वांटिटी जो वो कंज्यूम कर रहा है उससे उसकी सेटिस्फैक्शन कम से कम बढ़ रही है, कम से कम जो है ना थोड़ा सा और उसको बेटर फील हो रहा है, तभी तक वो उसकी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, नहीं तो उसके बाद वो कंज्यूम करना बंद कर देगा. सो दैट मीन्स कंजम्पशन सिर्फ तब तक चलती है जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो ना हो जाए. जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो ना हो जाए, तब तक जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन भी कर रही है, कम से कम पॉजिटिव तो है. पॉजिटिव का मतलब ही यही है कि कम से कम कुछ तो एडिशन हो ही रहा ना सेटिस्फैक्शन का. ठीक है, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, पहले से बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, बट कुछ तो हो ही रहा है. तो ये जो रेंज है, ये रेंज है या ये क्वांटिटी में ये रेंज है जहाँ तक कि कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए. अदरवाइज जो है उसके बियॉन्ड जो है उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस क्वांटिटी के बियॉन्ड अगर कंज्यूम करेगा, इससे ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा, तो उसकी सेटिस्फैक्शन उल्टा कम होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. तो अब जो है थोड़ा सा बस ये बता देती हूँ कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो इस तरह की किसी भी शेप का हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. मतलब क्या कि इनकी खास बात क्या है कि इसमें कोई ना कोई एक पोर्शन ज़रूर आएगा जहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है. ठीक है, इस तरह का कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब कि आप जो है जैसे जैसे और कंजम्पशन करते जा रहे हो आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और ज़्यादा हर बार सेटिस्फैक्शन पिछली बार से भी और भी ज़्यादा बढ़ रही है आपकी, बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है. तो वो स्पेसिफिकली केस होता है ग्रीड का, हवश का, लालच का. ठीक है ना, वो कुछ ही कमोडिटीज़ में होता है और कुछ ही लोगों के साथ होता है. ठीक है, या फिर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हर बार जो है पिछली बार की तरह आपको हर बार जो है पिछली बार जितनी ही एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है. क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि अगर आपको हर बार पिछली बार जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है या हर बार आपको जो है और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती जा रही है, तो इस तरह की कमोडिटीज़ की कंजम्पशन तो आप कभी बंद ही नहीं करोगे, आप तो करते ही जाओगे और बढ़ाते ही जाओगे. ठीक है ना, तो इस तरह की कितनी कमोडिटीज़ हैं जिनकी कि आप कंजम्पशन बस बढ़ाते जा रहे हो, कि आप कभी रोकोगे ही नहीं. क्योंकि हर बार जैसे ही आप बढ़ाते हो उस कंजम्पशन बढ़ाते हो, आपको पिछली बार से भी ज़्यादा और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसका.
तो इस तरह की बहुत कम कमोडिटीज़ होती हैं। आप कुछ भी कमोडिटी देख लो, आप जो है ना कभी जाके उससे जो है ना आपका जी भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा, आप उकताने लगोगे, आप परेशान हो जाओगे। इनफैक्ट पैसे और यू नो डायमंड्स वगैरह से भी लोग जो है ना ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी स्टेज पे जाके दुखी हो जाते हैं कि इनको मैनेज कर करके। इसीलिए आप बहुत बार देखते हो कि वो लोग जो हैं जैसे कि यू नो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं या ज़ीरोधा के कामत जी हैं, इन सब ने जो है ना बहुत ज़्यादा मनी जो है ना डोनेट करनी शुरू कर दी है। ठीक है ना, ये बहुत सारा मनी जो है ना डोनेट करते जाते हैं क्योंकि इनको भी जो है ना इवन पैसे से भी आगे जाके आदमी ना उकताना शुरू हो जाता है, परेशान होना शुरू होता है। एडिशनल मनी से भी इनको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ठीक है ना, क्योंकि अगर हर एडिशनल मनी से आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले तो बस फिर तो आप एक्यूमुलेट करते ही जाओगे, आप कभी उसको डोनेट ही नहीं करोगे, आप कभी किसी को दोगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ये रेयर कंडीशंस होती है। तो अधिकतर कर्व जो है या जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स वो होते हैं जो कि कभी ना कभी जो है फॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके फॉलिंग की वजह से ही जो है कंज्यूमर जो है उस क्वांटिटी को जो है रोकना शुरू करता है या कम उसी कंजम्पशन जो है कम करना शुरू करता है। ठीक है, तो अब जो है मुझे लग रहा है कि आपको पूरा मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा जो बचा है हमारे पास वो सिर्फ इतना सा बचा है कि मार्जिनल यूटिलिटी से जो है हम डिमांड कर्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी से हम लोग डिमांड कर्व कैसे निकालते हैं। चलो, टिल दैट, बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, बाय।